गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैन यू हियर मी? स्टार्ट प्लीज रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स। आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रहा है? मिस्टर पीवी मूर्ति, मिस्टर आदित्य, मिस्टर धीरज, प्लीज रिप्लाई। गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद मैंने आपको याद होगा हम लोगों ने सैटरडे को एनालिसिस किया था। क्या एनालिसिस किया था, कितने लोगों को याद है? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? कितने लोगों को याद है क्या एनालिसिस किया था, क्या व्यू क्या लिया था, क्या एनालिसिस किया था, क्या व्यू लिया था? कैन एनीवन टेल मी? मिस्टर पीवी मूर्ति, मिस्टर आदित्य, क्या एनालिसिस किया था हम लोगों ने और क्या व्यू लिया था? बेरिश व्यू लिया था, राइट? एनालिसिस किया था हम लोगों ने और ये एक्सपेक्ट किया था कि बेरिश होगा, यहां से नीचे जाएगा, आपको याद होगा। और मैंने एक मैसेज भी किया था कि कॉल शॉर्ट पोर्शंस मैंने लिए, यस और नो, याद है? मैसेज भी किया मैंने, कॉल शॉर्ट पोर्शंस लिए मैंने। यहाँ पे आपको मेरा लाइव एमटीएम दिख रहा है, आर यू एबल टू सी लाइव एमटीएम? प्लीज रिप्लाई। मिस्टर पीवी मूर्ति, मिस्टर आदित्य, लाइव एमटीएम आपको दिख रहा है? यस, 9K, 10K आपको आई होप दिख रहा होगा, प्लीज रिप्लाई। दिखा? या अलग अलग लेग्स में मेरे पोर्शंस है एंड इसको मैं अभी इंक्रीज करूंगा क्वांटिटी। मेरा एमटीएम मैंने मार्जिन मैंने आधा ही यूज किया है, ज्यादा यूज नहीं किया है। यू कैन सी हियर, ज्यादा यूज नहीं किया है, अभी तो आधा ही यूज किया है, अभी तो और इंक्रीज होगा। कल ज्यादा इंक्रीज होगा, आज नहीं इंक्रीज होगा, कल मैं और यूज करने वाला हूँ। डेटा के हिसाब से आज मुझे फ्लैट मार्केट लग रहा है, बट सेकेंड हाफ में ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ा मूवमेंट होगा। डेटा के हिसाब से मुझे अभी तक तो फ्लैट मार्केट लग रहा है, कोई ज्यादा ऐसा नहीं लग रहा है, बड़ा मूवमेंट नहीं लग रहा है। डेटा के हिसाब से फ्लैट मार्केट रहेगा, फ्लैट इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि यहां पर अगर आप देखो ना, अच्छा मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी का पहले ये भी बता दो, बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी का एमटीएम भी बता दो जरा, चेंज इन ओआई। ये देखो फ्लैट में इसलिए बोल रहा हूं, दिख रहा है 18,100 के कॉल पुट में किसी ने स्ट्रैडल सेल किया हुआ है, पुट ज्यादा सेल किया है, पुट ज्यादा सेल है 18,100 के कॉल पुट में, स्ट्रैडल किसी ने बेचा है, स्ट्रैडल, स्ट्रैडल अगर बेचा हुआ है तो ऑब्वियसली फिर बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। तो डेटा के हिसाब से मुझे ज्यादा अभी तक तो बड़ा मूवमेंट नहीं लग रहा है, ठीक है, पॉसिबल है सेकेंड हाफ में कुछ डेटा चेंज हो और अकॉर्डिंगली मूवमेंट आ जाए, बट अभी फिलहाल कोई बड़ा मूवमेंट नहीं लग रहा है, करेक्ट, फिलहाल के लिए कोई बड़ा मूवमेंट नहीं लग रहा है। थोड़ा सा वेट करेंगे, बाद में फिर निफ्टी के हिसाब से ट्रेड लेंगे, जस्ट वेट वन मिनट। अभी तक तो कोई ऐसा स्ट्रेंथ या ऐसा कुछ दिखा नहीं है। निफ्टी बुलिश है, बैंक निफ्टी ज्यादा बुलिश है, बैंक निफ्टी ज्यादा बुलिश है कंपेयर टू निफ्टी। HW कैंडल बनाया है, ये एक सपोर्ट है निफ्टी में, यहाँ पे निफ्टी में ये सपोर्ट है, एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास है, ये लेवल था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फॉल हुआ, इसी लेवल को ब्रेक किया, गैप अप हुआ, इसी लेवल के आसपास है ये लेवल, अगर निकालता है ना तो फिर ये जोर से जाएगा 18160 का लेवल जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब वो अगर ब्रेक होगा तो जोर से जाएगा। फिर सेकेंड हाफ में होगा, मुझे नहीं लग रहा आज, आज नहीं होगा, सेकेंड हाफ में जो होगा ना सेकेंड हाफ में होगा, आज नहीं लग रहा मुझे, आज मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है सेकेंड हाफ में होगा जो मूवमेंट आएगा, फर्स्ट हाफ में मूवमेंट नहीं आएगा या बहुत कम आएगा, फर्स्ट हाफ में मुझे मूवमेंट नहीं लग रहा है।
जिस हिसाब का डेटा है, जिस हिसाब का कैंडल बना है 15 मिनट के चार्ट पे, फर्स्ट हाफ में मूवमेंट नहीं लग रहा है, सेकेंड हाफ में मूवमेंट आ सकता है, उसके चांसेस ज्यादा है, वो भी नीचे की तरफ। नीचे की तरफ व्यू क्लियरली बेरिश ही है, व्यू तो एकदम क्लियर बेरिश है, व्यू में कहीं कोई इफ और बट नहीं है, व्यू क्लियरली बेरिश है। शॉर्ट की तरफ ही आपको ध्यान देना है। अच्छा, निफ्टी जनवरी मंथली स्ट्रेटजी अभी भी ओपन है राइट? प्लीज कंफर्म, निफ्टी जैन मंथली स्ट्रेटजी अभी भी ओपन है राइट? प्लीज कंफर्म। हाँ, उसका भी एमटीएम मुझे बता देना, व्हाट इज द एमटीएम, उसका भी एमटीएम मुझे बता दो, जैन मंथली स्ट्रेटजी। यस, उसका भी एमटीएम बताना, 1000 माइनस है। ठीक है ठीक है, निफ्टी थोड़ा सा ट्राई कर रहा है रिकवर करने का। यस, देखा मैंने 18130, 18140, फिर निफ्टी भी आज थोड़ा सा वोलेटाइल है, एक्चुअली थोड़ा सा वोलेटाइल है फिर निफ्टी भी। यस, यू कैन ऐड मिस्टर देवेन, ऐड कर सकते हैं। 18150, 160 निफ्टी के लिए क्रॉस करना मुश्किल है स्पॉट में, 18150, 160 क्रॉस करना मुश्किल है निफ्टी के लिए। बुलिश डेटा तो अभी तक कोई भी एंगल से नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा सा मतलब साइडवेज डेटा है, थोड़ा सा पुट सेलिंग ज्यादा है, तो उस हिसाब से 18100 पे सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है मार्केट। ठीक है, सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा वो आपको थोड़ी देर सेकेंड हाफ में पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। वो आपको सेकेंड हाफ में पता चलेगा। क्या बात है, मूवमेंट आना स्टार्ट हुआ, ओहो हो, क्या बात है, प्रीमियम भी सडनली स्पाइक अप हुआ। इंडिया विक्स कितना है? 15.16 है, ठीक है, इसीलिए प्रीमियम थोड़ा स्पाइक अप हो रहा है। थोड़ा सा मैं वेट एंड वॉच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि ठीक है, 100 पॉइंट, एक सेकेंड ना, मैं थोड़ा सा कुछ मेरा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, तो इट विल बी इजी फॉर मी। वेट ऑन मिनट, एडजस्टमेंट मैंने कर लिया, एक सेकंड। एमटीएम बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है एक्चुअली, एमटीएम बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, ये देखो ना, 4000 माइनस, अभी 6000 माइनस, एमटीएम थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है, थोड़ा सा वेट करके ट्रेड लेंगे। निफ्टी में तो अभी फिलहाल तो मुझे डायरेक्शन नहीं क्लियर है, मुझे लग रहा है 18100 वापस ब्रेक करेगा ना तो जाएगा ही। ये दो कैंडल देखो, ये दो कैंडल का लो जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लो ब्रेक करने दो इसको, तभी पुट में बाइंग करना चाहिए, ये लो ब्रेक होगा तो। स्पॉट में 18100, ये लो ब्रेक होने दो, ये देखो दिख रहा है, ये लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक दो तीन चार, चार कैंडल इसी लो के आसपास बनाया हुआ है, ये लो ब्रेक होगा ना तो जोर से जाएगा। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? प्लीज रिप्लाई, सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? ये लो ब्रेक होगा तो जोर से जाएगा, इसलिए मैं वेट कर रहा हूं कि ये लो ब्रेक होने दो इसमें ना। 1 मिनट, एक काम करते हैं, या तो हम लोग एक एग्रेसिव ट्रेड ले लेते हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है, लेट्स टेक थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड, बट ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेना है, थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड हम लोग लेते हैं।
मैंने मैसेज किया, देखो मैसेज मिला है क्या सबको, चेक कर लो जरा। मैसेज मिला, चेक कर लो जरा। एक सेकंड रुको, मैसेज क्यों नहीं मिला आप लोग को? मिस्टर दिव्य निवार, मिस्टर आदित्य, सबको मैसेज मिला, चेक कर लो। मिला होगा, चेक कर लो जरा। हाँ, थोड़ा सा मैंने एग्रेसिव ट्रेड किया है, थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी से बेटर है कि आप कम क्वांटिटी लो लेकिन पूरा टारगेट ट्राई करो। ठीक है, पूरा टारगेट ट्राई करो। यस, मुझे लग रहा है सेकंड सेकंड हाफ में फॉल आ जाएगा, जोर से फॉल आएगा, सेकेंड हाफ में जोर से फॉल आने वाला है। मैंने 3 लॉट लिया है मिस्टर दिव्य देवार, और इसको मैं मैक्सिमम 10 लॉट तक लेके जाऊंगा। अभी तक मैंने 3 लॉट लिया है इसको, जैसे जैसे ट्रेड फेवर में जाएगा फिर क्वांटिटी इंक्रीज करूंगा मैं। आई स्टार्टेड विथ 3 लॉट्स। जैसे जैसे पैटर्न कंफर्मेशन होगा, अगर ये लो ब्रेक करने आएगा ना यहाँ पे कहीं पर रेड कैंडल बना, देन आई विल इंक्रीज माई क्वांटिटी। 3 लॉट मैंने अभी ले लिए है। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, ये लो ब्रेक होगा ना तो फिर बड़ा फॉल है। ये आपको लाइन दिख रहा है ना, ये लो ब्रेक होगा तो बड़ा फॉल है निफ्टी में। और ये लो ब्रेक होगा क्यों? क्योंकि सेलर्स आर स्टिल इन अ कंट्रोलिंग मोड, सेलर्स ही कंट्रोल कर रहे हैं अभी भी प्राइसेस को। ये खाली रिट्रेसमेंट है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सेलिंग की तरफ ही ध्यान देना है थोड़ा। क्या बात है, निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाया, थोड़ा सा निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, विच इज वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सेकेंड ना, 19,100 ना, ये 1 सेकंड रुकना, मुझे कुछ मार्केट वॉच में स्क्रिप्ट्स ऐड करनी है जो कि मेरी ऐड नहीं हो रही। 1 सेकंड, साइज टू फिट। ठीक है, मैंने कुछ क्वांटिटी ऐड की है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा निफ्टी फ्लक्चुएट है इंडिया विक्स के कारण, एमटीएम भी इंक्रीज हो रहा है इसलिए मेरा एमटीएम थोड़ा सा फ्लक्चुएट है। पर मुझे निफ्टी सेकंड हाफ में फॉल लग रहा है, निफ्टी सेकंड हाफ में फॉल लग रहा है, तो सेलिंग की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। पिन निफ्टी भी सेकंड हाफ में फॉल लग रहा है। यस, पिन निफ्टी भी सेकंड हाफ में फॉल लग रहा है। पिन निफ्टी में भी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न है, कोई ऐसा ये नहीं है, सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न। ये देखो ना, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रेंथ है, बाकी निफ्टी तो वीक लग ही रहा है, निफ्टी तो सेकंड हाफ में जाएगा ही जाएगा। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रेंथ है कंपेयर टू निफ्टी, बिकॉज बैंकिंग स्टॉक में थोड़ा सा स्ट्रेंथ है इसीलिए। क्या बात है, फिन निफ्टी देखो, ओहो क्या बात है, एमटीएम देखो मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एमटीएम ये हुआ है,
इसको थोड़ा सा मुझे और एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट, आ मेरा कुछ क्वेश्चंस भी ओपन है, फिर निफ्टी भी भागने लगा है, थोड़ा सा मुझे भी मेरा क्वेश्चंस भी संभालना पड़ेगा। अच्छा 800 ना, 950, 900, अच्छा 850 लेना है क्या मुझे यहाँ पे? ठीक, ठीक है, थोड़ा सा मुझे मेरा क्वेश्चन यहाँ पे संभालना पड़ेगा, एक सेकंड, इसीलिए मैंने लिमिट इंक्रीज करवा के रखा था ताकि कुछ प्रॉब्लम हो तो एटलीस्ट आई कैन इंक्रीज द क्वांटिटी। एक सेकेंड, आप जस्ट वेट 1 मिनट मिस्टर सिद्धार्थ। एक्चुअली मेरी क्या काफी बड़ी पोर्शंस ले ली मैंने, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा ना ध्यान यहाँ पे है। सी, निफ्टी तो गिरेगा सेकेंड हाफ में, निफ्टी के गिरने के चांसेस है। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। निफ्टी तो मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ में वापस गिर जाएगा 18,200। हाँ 18,200 इज अ रिवर्सल लेवल, जहां से फॉल आया था फ्राइडे को, दैट इज अ रिवर्सल लेवल। सो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा वेट कर लो मेरे हिसाब से, थोड़ा सा वेट करके देखते हैं, थोड़ा वेट एंड वॉच ऑब्जर्व मोड में जाना पड़ेगा। यहां से फॉल आना चाहिए, सेकेंड हाफ में फॉल आना स्टार्ट होना चाहिए। बस मेरा एमटीएम देखो ना, यहाँ पे थोड़ा सा एमटीएम लगने लगा, इसीलिए मैंने थोड़ा क्या एडजस्टमेंट किया और कुछ नहीं। हाँ यहाँ पे आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, एमटीएम थोड़ा सा लगने लगा, इसलिए मैंने एडजस्टमेंट करना स्टार्ट किया बिकॉज ऑफ थीटा डिके। यस थीटा डिके, हाउ मच फॉल वी कैन एक्सपेक्ट इन निफ्टी इफ इट इज ब्रेकिंग 18,100 देन 17,600 इज पॉसिबल, 17,600 पॉसिबल है। सैटरडे को हम लोग ने एनालिसिस किया था, 18,100 इट मस्ट ब्रेक इन स्पॉट, देन ओनली इट विल फॉल। 18,100 ब्रेक होना चाहिए। अभी तक तो ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, अभी तक तो इसने थोड़ा स्ट्रेंथ ही दिखाया है। ये देखो मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है, ठीक है, मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है निफ्टी। और यहाँ पे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। ये मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस के आसपास है, 21 डे मूविंग एवरेज के आसपास। तो यहां से अगर ये वापस रेड कैंडल बना के 18,125 आता है ना, तो फिर मोस्ट लाइकली ये लो ब्रेक करेगा एंड देन इट कैन फॉल। तो यहां तक हमें पहले चाहिए 125 तक निफ्टी, मिनिमम इतना चाहिए। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे भी मेरा कुछ एमटीएम आना स्टार्ट हुआ होगा शायद, एक सेकंड रुको, एमटीएम आना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा फिन निफ्टी में स्ट्रेंथ है, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है, इसीलिए थोड़ा सा ना बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है। निफ्टी देखो 55 पॉइंट प्लस है, बैंक निफ्टी 300 पॉइंट प्लस है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, कैन यू सी डिफरेंस? दिख रहा है आपको? निफ्टी 50 पॉइंट प्लस है, बैंक निफ्टी 300 पॉइंट प्लस है। बैंक निफ्टी इज मच मोर स्ट्रॉन्गर एक्चुअली, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इसीलिए आपको ऐसा पीएनएल दिख रहा होगा।
बैंकिंग स्टॉक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बैंकिंग स्टॉक्स कौन से बैंकिंग स्टॉक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है चेक करते हैं, एक सेकंड रुको फिर देख लेते हैं हम लोग। बैंकिंग स्टॉक्स में कौन सा बैंकिंग स्टॉक है जो ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है? आई थिंक मेरे हिसाब से IDFC फर्स्ट बैंक है, बंधन बैंक। बंधन बैंक तो बिल्कुल भी हाथ मत लगाना, बाइंग करना ही नहीं है। AU बैंक थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ठीक है। एक्सिस बैंक का चार्ट खराब है, इसमें सेलिंग की तरफ ही ध्यान देना, बाइंग की तरफ ध्यान मत देना। इसको हम लोगों ने एनालिसिस किया था अगर आपको याद है, ठीक है। SBI में भी स्ट्रेंथ नहीं है, तो ये सब गिर जाएगा मुझे लग रहा है सेकंड हाफ। कोई ज्यादा मुझे अभी तक तो स्ट्रेंथ दिखा नहीं है। वेरी डिफिकल्ट, मतलब डेली चार्ट पे जो पैटर्न बना है ना उसके हिसाब से मुझे तो नहीं लग रहा कि यहाँ से कुछ होगा, मुझे लग रहा है कि गिर ही जाएगा। ये देखो ना, वीकली पे भी सेल दिया हुआ है क्या इसने? वीकली पे भी सेल दिया हुआ है मिस्टर सिद्धार्थ। बंधन बैंक अगर आप चार्ट देखो लास्ट एक साल का, तो वो 500 से गिर रहा है लगातार। अगर कोई स्टॉक 200 रुपया गिर रहा है उसके बाद 20 रुपया शॉर्ट कवरिंग आ रहा है, तो उसको बिल्कुल भी बाइंग नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? प्लीज रिप्लाई। 200 रुपया गिरने के बाद अगर 20 रुपए का शॉर्ट कवरिंग आ रहा है तो बिल्कुल भी बाइंग नहीं करना चाहिए उसको। बिल्कुल भी बाइंग नहीं करना है। आवरली पे सेम पैटर्न बना है यहाँ पे, अभी तक MACD ने कुछ रिवर्स सिग्नल दिया नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करो। 18100 लो ब्रेक होगा ना तो जाएगा निफ्टी। मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ इट इज वेट एंड वॉच, कोई बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट मत करो। हाँ क्या बात है, फिन निफ्टी तो वन साइडेड भाग रहा है। फिन निफ्टी ही आज थोड़ा सा वन साइडेड भाग रहा है। फिर निफ्टी ठीक है, निफ्टी अगर थोड़ा ज्यादा भाग रहा है तो फिर उस हिसाब से ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। निफ्टी भी थोड़ा ऊपर आया, निफ्टी भी थोड़ा ऊपर आया, निफ्टी भी थोड़ा ऊपर आया है। ये फिन निफ्टी के कारण मेरा MTM इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा सा और एडजस्टमेंट करना पड़ेगा मुझे। फिन निफ्टी के कारण थोड़ा MTM फ्लक्चुएट है। REC व्यू, एक मिनट REC चेक करते हैं, थोड़ा सा वेट कर लो। REC क्या हुआ है? REC में REC तो ब्रेकआउट दिया आवरली पे, ब्रेकआउट है आवरली पे। तो सिद्धार्थ आवरली पे ब्रेकआउट है REC। निफ्टी ये देखो, निफ्टी ने जो सेटअप बनाया है ना, अगर ये रेड कैंडल का हाई ब्रेक कर सकता है 18200 तो फिर रिवर्स होगा, अदरवाइज रिवर्स होने के चांस कम है। ये रिवर्स होने के लिए इसको 18200 क्रॉस करना पड़ेगा, और फिन निफ्टी को रिवर्स होने के लिए 19100 के ऊपर जाना पड़ेगा, 19100 के ऊपर, जो कि चांसेस मुझे कम लग रहा है। और अगर ये इसने आवरली पे डोजी कैंडल बना दिया ना यहाँ पे अगर ये अभी हैमर जैसा दिख रहा है, अगर ये नीचे आके क्लोज देता है, डोजी कैंडल बनाता है, तो समझ जाओ फिर यहाँ से एक और रेड कैंडल बनेगा और ये लो ब्रेक होके बड़ा वाला कैंडल बनेगा अगर ये डोजी कैंडल बनता है। तो मतलब आपको 1 आवर और वेट करना पड़ेगा, 1 आवर और वेट करना पड़ेगा। ये आपको समझ में आएगा, क्लियर व्यू मिलेगा 11:30-12 बजे के आसपास। अभी नहीं मिलेगा क्लियर व्यू, 11:30-12 बजे के आसपास क्लियर व्यू मिलेगा आपको मेरे हिसाब से।
अभी ये थोड़ा सा स्टॉप लॉस हंटिंग पैटर्न आप बोल सकते हो। इसका सेटअप क्लियर होगा 11:30-12 बजे के आसपास, जब दो कैंडल और बन जाएगा ना, तब आपको सेटअप क्लियरली समझ में आएगा। हाँ, 18,100 ब्रेक होना चाहिए बस, 18,100 ब्रेक हो जाए, 120 भी आता है ना तो भी कंफर्मेशन हो जाएगा कि ब्रेक होगा। ऐसा है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा एमटीएम एज इट इज है, मैंने कुछ एडजस्टमेंट और नहीं किया। मुझे लग रहा है एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से अपसाइड लिमिटेड है, डाउनसाइड ओपन है, अपसाइड लिमिटेड है। ऐसा है, डाउनसाइड एकदम ओपन है, अपसाइड लिमिटेड है। इसलिए मेरा एमटीएम दे दो। अच्छा, ऐसा कुछ अफवाह भी आ रहा है कि 2023 विल बी बुलिश ईयर और ऐसा, आर यू गेटिंग सच काइंड ऑफ न्यूज ऑन व्हाट्सएप? प्लीज रिप्लाई। प्लीज डू नॉट ट्रस्ट, डोंट ट्रस्ट सच काइंड ऑफ न्यूज, बिकॉज जब भी ऐसा कुछ आता है मतलब समझ जाओ कि टॉप बन रहा है। व्हाट्सएप पे ऐसा सर्कुलेट हो रहा है, इसका मतलब टॉप बनने के चांसेस है फिर। इट्स वेरी रिस्की अगर व्हाट्सएप पे ऐसा कुछ सर्कुलेट हो रहा है। रिटेल पीपल विल बाय, एनएफआईज विल सेल, इट इज लाइक दैट, एंड इवेंचुअली मार्केट विल फॉल। सेकेंड हाफ 2024 बुलिश एज इलेक्शन नेक्स्ट ईयर, 2024 पॉसिबल बुलिश, बट सी इमीडिएटली यू कैनॉट एक्सपेक्ट अ बुलिशनेस। नो, जो मुझे लग रहा है, जो अभी स्टार्टिंग का जैन मंथ है ना, जैन मंथ आई एम एक्सपेक्टिंग अ फॉल। 17,500 तो आना ही आना है, 17,500 तो ये तो आएगा ही आएगा, जैन में ही आएगा। इलेक्शन बीजेपी विंस एक्सेट्रा, ठीक है, बट आई होप यू नो मिस्टर सिद्धार्थ, देर इज अ कोविड वेव ऑल्सो। चाइना कंडीशन पता है ना, येस और नो? प्री बजट रैली, प्री इलेक्शन रैली, ठीक है, लेकिन चाइना कंडीशन पता है या नहीं पता है? इंडिया में अगर केस डिटेक्ट होना स्टार्ट हुआ, विल इट क्रिएट पैनिक? प्लीज रिप्लाई। इंडिया में अगर केसेस डिटेक्ट होना स्टार्ट हुआ, विल इट क्रिएट पैनिक? प्लीज रिप्लाई। पैनिक होगा, होगा ना पैनिक, सो वो भी आपको पॉइंट सोचना है। ऑलरेडी डिटेक्टेड यस्टरडे फर्स्ट केस, सो दैट इज अ वेरी बैड साइन एक्चुअली। फिर मास्क कंपलसरी एंड नाइट कर्फ्यू 144, ये सब अनाउंसमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा मिस्टर सिद्धार्थ, ये सब अनाउंसमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो डोंट एक्सपेक्ट एनी बुलिशनेस, मुझे तो नहीं लग रहा। पहला केस आया ना, पहला केस आना स्टार्ट हुआ, ऋषभ पंत, ऋषभ पंत का भी एक्सीडेंट का न्यूज आ रहा है, ऋषभ पंत का भी एक्सीडेंट का काफी एक्सट्रीम न्यूज आ रहा। बैंक निफ्टी, लुक एट बैंक निफ्टी, 345 पॉइंट, निफ्टी वही पे है 55 पॉइंट, और बैंक निफ्टी 50 पॉइंट और भाग गया, सिर्फ बैंक निफ्टी भाग रहा है। पंत का क्या न्यूज आया? पंत का एक्सीडेंट हुआ है, ऋषभ पंत का। ये देखो वापस निफ्टी गिरना स्टार्ट, चलो नाउ फॉल विल कम, बी रेडी। 5 मिनट का चार्ट लगा लो, 5 मिनट का चार्ट लगा लो, यहां से टर्न अराउंड हुआ तो फॉल आएगा।
कर लो, 5 मिनट का चार्ट लगा लो, ओपन करो। बिग रेड कैंडल है, इसके अंदर इनसाइड कैंडल बनाया है, सुपर ट्रेंड का रेजिस्टेंस है यहाँ पे। अगर ये गिरा 18140 अब ब्रेक होता है ना तो भी गिरना स्टार्ट हो जाएगा, 15-20